नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट का एंट्रेंस अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम आप लोग को एक स्टूडेंट का ऑनलाइन अप्लाई करके लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कब तक डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, कब तक लास्ट डेट है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाला हूँ। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 6 में नवोदय विद्यालय में उनका एडमिशन कराना चाहते हैं, तो एडमिशन के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस का अप्लाई होता है, वो डेट ओपन हो चुका, ऑनलाइन अप्लाई हो रहा। तो कैसे अप्लाई करना, कब तक लास्ट डेट है, कब एग्जाम होगा, क्या डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाला हूँ। तो वीडियो को एक बार कंप्लीट जरूर देखेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा नया नया अपडेट हमेशा पाने के लिए। तो नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। एंट्रेंस का फॉर्म जो है उसको अप्लाई करना होगा, जिसका जो एग्जाम डेट है, डेट ऑफ एग्जाम, स्टूडेंट का जो एग्जाम होगा वो 29 अप्रैल 2023 को एग्जाम होगा, और फॉर्म जो ऑनलाइन अप्लाई होगा उसका लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 तक है। डेट एक्सटेंड भी हो सकता है लेकिन फिलहाल अभी 31 जनवरी तक है। तो कैसे अप्लाई करना, सबसे पहले आप लोग को इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है, इसको प्रिंट आउट कर लेना, स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स फिल करना। अभी क्या क्या इसमें फिल करना वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इस वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, NBS एडमिशन 2023 नवोदय विद्यालय एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हिंदी में सभी जानकारी दिया गया है, आके आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई का डायरेक्ट लिंक और आप लोग को एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो एडमिशन फॉर्म डाउनलोड क्लिक है में क्लिक करेंगे, इस पेज को आप लोग को प्रिंट आउट कर लेना है, यहाँ पर स्टूडेंट का फोटो चिपकाना है, इसको फिल करना है। अभी फिल करने का तरीका, एक काम फिल करके रखे वो दिखाऊंगा। तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे एडमिशन फॉर्म, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई वाला लिंक क्लिक हेयर यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक हेयर में आप लोग को क्लिक करना। ऑनलाइन अप्लाई वाला हम जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। उसके बाद क्लिक हेयर फॉर क्लास 5 रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप लोग को ये ऑप्शन आएगा, इसको फिल करके आगे फॉर्म भरना। तो कैसे भरना वो भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करता हूँ कि कौन कौन सा स्टूडेंट का मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए। तो देख सकते हैं, ये कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन बर्न बिफोर 1/5/2011 एंड आफ्टर 30 अप्रैल 2013, मतलब 1/5/2011 के बाद और 30 अप्रैल 2013 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेट ऑफ बर्थ 1/5/2011 मतलब 2/5/2011, उसके बाद 3/5/2011, फिर 12, उसके बाद 2013 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक, 30 अप्रैल 2013 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो स्टूडेंट इसको आवेदन कर सकते हैं। तो इस पेज को आप लोगों को प्रिंट आउट करना, डिस्क्रिप्शन वाला वेबसाइट में लिंक दे दिए हैं, प्रिंट आउट करके आप लोगों को इसमें क्या क्या फिल करना देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई होगा। और इस पेज में हेडमास्टर का आप लोग को सिग्नेचर होगा, जिसमें जो स्टूडेंट क्लास 5 में पढ़ाई करे उस स्कूल का हेडमास्टर से सिग्नेचर कराना होगा इस पेज को। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा कि सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इज रिस्पेक्ट ऑफ, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर होगा। हम एक सैंपल डेमो तैयार किए हैं, वो आप लोग देख लीजिए, स्टूडेंट का नाम यहाँ पर होगा। ये एक डेमो है, किसी का रियल पर्सन से जो है बिलोंग नहीं करता, ये एक डेमो है, हम आप लोग को दिखा रहे हैं। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर होगा, स्टूडेंट का फोटो इधर होगा, स्टूडेंट का क्लास 5 में जिस स्कूल में पढ़ाई कर रहे स्कूल का नाम यहाँ पर होगा, फिर स्टूडेंट का नाम यहाँ पर कैपिटल स्पेलिंग में होगा, कैपिटल लेटर में, स्टूडेंट का फादर्स का नाम कैपिटल में होगा, फिर मदर्स का नाम कैपिटल में होगा, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल होगा, लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद इन वर्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा कि 1 जनवरी 1 फरवरी 2012, इसको वर्ड में इधर लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट बॉय है गर्ल है उसको टिक करना है, जनरल ओबीसी एसटीएससी किस में आता है उसको टिक करना है, अगर स्टूडेंट विकलांग है फिजिकली हैंडीकैप है तो इधर टिक करना है, इधर परसेंटेज देना है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है। बाद स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है एक एक लेटर, स्टूडेंट का एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, उसके बाद ईमेल आईडी स्टूडेंट का या गार्जियन का इधर लिखना है, फिर मोबाइल, फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट का कहीं एक पूरा बॉडी में तिल का निशान, कटा हुआ निशान जो मिटेगा नहीं, जन्म दाग, तो मोल मार्क ऑन द नेक इसका गर्दन में है वो लिख दिए। एनुअल इनकम, गार्जियन का एनुअल इनकम यहाँ लिखना है, नेशनलिटी देना है, रीजनल देना है, फिर मीडियम हिंदी इंग्लिश जो है उसको लिखना है, मतलब किस में आप लोग को एग्जाम देना है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर स्कूल का डिटेल्स पूछ रहा है, क्लास 5 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में,
स्टूडेंट कौन सा स्कूल में था, स्कूल का नाम, इसको रूलर में है अर्बन में उसको देना है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो रूलर, शहरी क्षेत्र में स्कूल है तो अर्बन, तो लिख दिए। मंथ क्लास थ्री में एडमिशन डेट और ईयर, तो ये आप लोग को स्कूल से मिल जाएगा, तो आप अपना स्कूल का हेडमास्टर को बोलेंगे फिल करने, ये सब लिख देंगे कि कब आप क्लास थ्री में एडमिशन लिए थे, कौन सा मंथ ईयर, थ्री में कब पास किए, स्कूल का ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, क्लास फोर में कब एडमिशन लिए, उसका ईयर कब पास किए, फिर ब्लॉक, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद क्लास फाइव में कौन से स्कूल में है, स्कूल का रूलर है, अर्बन है, वो एक ही स्कूल हो सकता, तीनों जगह सेमी स्कूल तो दे सकते, अलग अलग है तो आप लोग दे दीजिएगा अपना। फिर उसी प्रकार एडमिशन मंथ और ईयर, पासिंग मंथ ईयर, इस प्रकार लिखना है। कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पर करना है, हम डेमो आप लोग को दिखा रहे हैं। कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट का साइन यहाँ होगा, स्टूडेंट का फादर या मदर का, पेरेंट का साइन यहाँ होगा, और स्कूल जिस स्कूल में क्लास फाइव में उस स्कूल का हेडमास्टर यहाँ सिग्नेचर करेंगे और मोहर लगाएंगे, अपना स्टाम्प लगाएंगे। तो ये फॉर्मेट आप लोग को तैयार करना है, इसको स्कैन करना है, क्योंकि इस पेज को आप लोग को अपलोड करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म में। अब ये हो गया, अभी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर वेबसाइट का लिंक दे दिए हैं, या फिर आप लोग नवोदया का ऑफिशियल वेबसाइट में आके भी इस अप्लाई लिंक में आ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर, तो इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोग को फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। इस बार नया नोटिफिकेशन यही हुआ है कि स्टूडेंट का आधार कार्ड के साथ अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर OTP आके भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो गार्जियन का रेसिडेंट और गवर्नमेंटल रेसिडेंट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अभी कैसे फिल करना देखिए, द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास स्टडी क्लास फाइव प्रीवियस सेशन 22-23, इसको नो करना है, ऑलरेडी पास नहीं है, अभी अपियरिंग में पास करेगा, यस करेंगे तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, तो इसको नो करना है। कैंडिडेट अपियरिंग JNBST मतलब नवोदय विद्यालय में पहले भी अपियर हुए हैं तो इसको नो करना है, क्योंकि पहले भी हुए हैं तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, तो इसको नो करना है। डू यू हैव रीड प्रोस्पेक्टस, मतलब बोल रहे इस 31 पेज का प्रोस्पेक्टस को आप लोग रीड कर लिए हैं तो इसको यस करना, ठीक है, और रीड कर लेना आप लोग को अच्छा से, प्रोस्पेक्टस को चेक कर लेना क्या है नहीं है, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, तो इसको यस कर दिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्लास फाइव में डिस्ट्रिक्ट सेम डिस्ट्रिक्ट में है, रेसिडेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, उसको यस करना है। इन द स्टडी सर्टिफिकेट साइन हेडमास्टर, मतलब बोल रहा है जो स्टडी सर्टिफिकेट है, मतलब ये वाला सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट इधर क्लिक है डाउनलोड जो बताएं, इसको बोल रहा आप हेडमास्टर से सिग्नेचर करा लिए, तो करा लिए हम लोग, तो इसको यस करेंगे, आप लोग को करा लेना पहले, उसके बाद फॉर्म फिल करना, तो इसको यस करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि वेदर कैंडिडेट प्रमोटेड क्लास 4-5 31 जुलाई 2022 से पहले प्रमोटेड हो गया, यस हो गया, तभी आप भर पाएंगे, नहीं तो नहीं फिल कर पाएंगे। डू यू हैव आधार कार्ड, स्टूडेंट का बोला आधार कार्ड है तो यस करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे उसमें 6 डिजिट का OTP जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है, आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है बहुत स्टूडेंट का, तो नो करेंगे। अगर आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आधार सेंटर जाएंगे सबसे पहले, 2-4 दिन समय लगता है आधार सेंटर में। आप स्टूडेंट जो कैंडिडेट है उनका आधार कार्ड को अपडेट कराएंगे, नाम अगर गलत है स्पेलिंग सही करा देंगे, नाम, फादर्स नेम सब चेक कर लेंगे, अगर सही है फिर भी, अगर सही नहीं है फिर भी आप आधार सेंटर जाके अगर सब कुछ सही है तो मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट करा देंगे कि नया मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए ताकि OTP आए। अगर सब कुछ गलत है तो आप उसको भी अपडेट कर लीजिए, साथ में साथ मोबाइल नंबर भी नया एक लिंक कर दीजिए आधार के साथ, फिर यहाँ पर आधार नंबर फिल करके फॉर्म भरेंगे तो OTP आएगा, फिर OTP देके आगे भरेंगे, नहीं तो अगर नो करेंगे तो यहाँ बोल रहा कि देख सकते हैं, यहाँ पर बोल रहा है जिस जिले में भर्ती मतलब स्टूडेंट कक्षा फाइव में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकारी द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें, मतलब जो स्टूडेंट जिस क्लास में क्लास फाइव में पढ़ाई कर रहे हैं तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाई कर रहे हैं उनका फादर्स या मदर्स का मतलब गार्जियन का माता पिता का सरकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें, तो सरकार द्वारा जो जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो बना होगा उसको इस प्रकार सेलेक्ट करना, मान के चलिए ये है आवास प्रमाण पत्र, तो हम डेमो बता रहे हैं, तो इस प्रकार आवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे आवास प्रमाण पत्र यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट जो आगे का फॉर्म है वो यहाँ पर फिल होगा। और अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है स्टूडेंट का तो OTP देके नेक्स्ट करेंगे, तो आवास प्रमाण पत्र नहीं भी देंगे
तो स्टूडेंट का ये फॉर्म आ जाएगा। तो दो स्टेप हो गया। अभी यहाँ पर आप लोग को सभी चीज़ को फिल करना है, डिटेल्स को फिल करना है, स्टूडेंट का नाम वगैरह वही चीज़ फिल करना जो इस फॉर्म में है। उसका सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा, स्टूडेंट का फोटो आ रहा, तो स्टूडेंट का फोटो को चॉइस करेंगे, यहाँ फोटो ले लेंगे। और अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब स्टूडेंट का सिग्नेचर आ रहा तो चॉइस करेंगे, स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ लेंगे। उसके बाद बोल रहा कि यहाँ पर अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर, मतलब बोल रहा स्टूडेंट का गार्जियन का सिग्नेचर, तो पेरेंट्स सिग्नेचर यहाँ लेंगे। अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाई हेडमास्टर, मतलब ये जो फॉर्मेट है इसको यहाँ अपलोड करना, चॉइस करेंगे, स्टडी सर्टिफिकेट को यहाँ टिक करेंगे और यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू करके इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और स्टूडेंट का एक फॉर्म भी मिलेगा प्रिंट आउट, उसको प्रिंट कर लेना है, एप्लीकेशन को भी अच्छा से लिख लेना है, क्योंकि जब स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी होगा, जो कि 29 अप्रैल को परीक्षा होगा, तो एडमिट कार्ड जारी होगा कुछ दिन पहले, तो वही एप्लीकेशन नंबर से एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो जब करके फाइनल सबमिट करेंगे उस पेज को भी प्रिंट आउट करके रख लेंगे, मोबाइल में सेव कर लेंगे और एप्लीकेशन नंबर को भी अच्छा से लिख लेंगे, ताकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के टाइम आप लोग को एप्लीकेशन नंबर मिल जाए। तो इस प्रकार आप लोग नवोदय विद्यालय में क्लास 5 स्टूडेंट का जो अभी अपीयरिंग में क्लास 6 में एडमिशन के लिए स्टूडेंट का अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट 31 जनवरी तक है। तो अगर वीडियो और जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ भी अदर कन्फ्यूजन है या जानकारी चाहिए तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।